शिमला पहुंच चुके हैं, ऊपर दिख रहा हो आपको फ्लाइट हमारा ट्राई कलर्स का, तो हमें वहाँ जाना है, तो मिलते हैं वहीं पर। वहीं पे डॉग स्क्वाड और आर्मी का दस्ता न्यू वेपन से लैस, जो हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमारे जवान हमारे लिए हर पल तत्पर खड़े हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो क्लीन शिमला ग्रीन शिमला की एक पहचान है, और हमारे बागवानों के सेब। तो फाइनली गाइस हम लोग मरूर पर थे, और एक सौ रुपया ध्यान किया, बट जो सिस्टम था यहाँ का वो थोड़ा सा इस बार अटपटा था, क्योंकि बहुत से रोड है मतलब रास्ते थे जो मॉल पे जाने के लिए वो बंद कर दिए थे। अगर आपने मॉल का शिफ्ट लेना है तो आपको यहाँ से रानी झांसी पार्क होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, और आपको वापस अगर यहाँ का शॉर्ट लेना तो वापस आना पड़ेगा। तो बड़ी दौड़न भाग हुई आ रही है जा रही है यहाँ एक बार झांसी साइड में देख सकते हैं, तो ऐसे ही झांकियाँ चली है जैसे करे की तरफ, और अब हम जा रहे हैं लेट्स सी कहाँ की, और उनके भी मॉल पे प्रोग्राम होंगे थोड़े से कल्चर प्रोग्राम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डांस नृत्य आपके एक्ट होंगे तो दिखाते हैं आपको, वहाँ पर ले चलते हैं सिया। और वहीं पे अलग अलग झांकियाँ निकल रही थी हमारे सामने से आदर्श बालिका संस्थान शिमला, तो वहीं पे एक बहुत ही अच्छी झांकी थी, लेकिन रास्ता तंग होने की वजह से आई गेस उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ से निकालने में, और हमारे बीच में ही बागवानी सफल बागवानी का एक प्यारा सी झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए, तो आखिरकार हमारे सामने थी एक विशालकाय झांकी, जिसे देखते ही सबका दिल उमड़ आया था उस पर, बट वो बड़ी होने के कारण वहाँ पे थोड़ी अटक रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वो निकल गई और हमारे सामने आई आखिरी झांकी वन विभाग की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा किस प्रकार से खाद का प्रयोग कर रही थी महिलाएं, केंचुआ खाद व चेड़ के पत्तों से निर्मित उत्पाद। उसके बाद हम भागे भागे दौड़े दौड़े से चल पड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए जो रिज मैदान पर होने थे, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार की भीड़ है, और ये रास्ता भी यहाँ पे बंद था तो सभी लोग यहाँ से जा रहे थे, तो जब सभी लोग ठुमक ठुमक कर चल रहे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ठुमक ठुमक कर रिज मैदान तक पहुँच जाए, लेकिन हमारा वो फार्मूला काम नहीं आया, हमें पीछे ही चलना पड़ा। फाइनली एट लास्ट फाइनली हम पहुँच चुके हैं माल रोड है ना, और क्या बोले यार दोस्तों आज ऐसा कटा है कि क्या होता है, मतलब शिमला में बहुत सारे रास्ते जिससे आप माल रोड के लिए आ सकते हैं, मतलब यहाँ रिज मैदान पे जहाँ पे परेड हो रही थी, बट यार सारे रास्ते बंद हैं, मेरे दो चक्कर लगे अरे और परे के, जिससे मेरा जिम तो यहीं हो गया आज, बट फाइनली हम रिज पहुँचे। अब देखते हैं अगर कुछ दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, आपको क्या बोलते जो स्टार्टिंग में हम थंबनेल डालेंगे ना उसमें दिख जाएगा कि 26 जनवरी को बन गया पिचिक्कू टाइप का। तो अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ की ओर जाए, आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा तो होता था उस वीडियो में, पर यहाँ तो आदमी आदमी दिख रहे हैं वो भी जमीन पे। तो मिलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स है ना।
हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम रिच पे है और हमारे साथ है ये कश्मीरी गर्ल्स। फाइनली आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। यहाँ की जगह भी बहुत अच्छी है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो? गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक भावना है, ऐसी भावना जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं देवभूमि हिमाचल से ताल्लुकात रखता हूं, ऐसी भूमि जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए और इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर धान सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। तो इसी जज्बे को अपने दिल में बसाए रखें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।